सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 खबरों से। सहारनपुर में 39,000 लोगों की पेंशन, वृद्धा पेंशन रुकी, पेंशन के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं लोग बुजुर्ग। झांसी में बर्खास्त शिक्षक निकले फर्जी टीचरों का मास्टरमाइंड, 6 लोगों को 78 लाख देकर किए थे फर्जी नियुक्ति पत्र। बलेरी डीएम ने वान बेबी फोल्ड को अनाथालय का किया निरीक्षण, वान बेबी होल्ड में बच्चों का लिया हाल। प्रयागराज में नाव पर मटन हुक्का पार्टी करने वाले जाएंगे जेल, एसएसपी के आदेश पर दारागंज थाने में एफआईआर दर्ज। फतेहपुर में मुस्लिम युवक ने कराया नाबालिका धर्मांतरण, स्कूल जाते समय अपहरण कर हरियाणा ले गया युवक गिरफ्तार। कानपुर में उद्यमियों को 10 दिनों में सब्सिडी देगा वित्तीय सहयोग, आईआईए भवन में सप्ताह में 2 दिन शीर्ष अधिकारी करेंगे कैंप। मैनपुरी में टेंट व्यवसायी के गोदाम में लगी भीषण आग, समय पर नहीं पहुंची फायर सर्विस, लाखों का सामान जलकर खाक। डिजिटल रेप के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, मासूम के साथ अकबर अली ने किया था डिजिटल रेप। झांसी में बस ने युवक को कुचला, मौत सवारियां उतारकर थाने में खड़ा किया, 1 घंटे बाद पता चला महिला फंसी है। श्रीवास्तव पहुंचे डिप्टी सीएम विजय पाठक, सीएससी सहित कई अन्य जगहों का किया निरीक्षण। उन्नाव में गंगा घाट इंस्पेक्टर ने पूर्व सैनिक से की अभद्रता, सीएम और अधिकारियों से ट्वीट पर शिकायत, सीओ को सौंपी गई जांच। बांदा में दबंग भूमाफियों के हौसले बुलंद, दबंगों ने राइफल और रिवॉल्वर लेकर पीड़ित परिवार के साथ मारपीट का वीडियो किया वायरल। नगलान दौड़ पंचायत केस में मंत्री संजीव बालियान की पेशी, मुजफ्फरनगर में 31 अगस्त 2013 को हुई थी सचिन गौरव की शोक सभा। जौनपुर में यातायात विभाग ने 42 निजी अस्पतालों को दी नोटिस, पार्किंग व्यवस्था को सुधारने का निर्देश, मनमानी करने पर होगी कार्रवाई। हरदोई में डस्टबिन घोटाले में 183 के खिलाफ एफआईआर दर्ज, 2 साल चली एसआईटी की जांच, महिला भाजपा नेता को बचाने में हुई थी कवायद। मेरठ मेडिकल कॉलेज में बच्चा चोरी, अस्पताल के कर्मचारी बनकर मां के पास गया था वैक्सीन लगवाने के बहाने ले गया था। देवरिया में 64 नलकूप लगेंगे, किसानों को मिलेगी राहत, प्रदेश में 2100 नलकूप लगाने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास। मथुरा पुलिस ने किया इनामी बदमाश को गिरफ्तार, मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। मिर्जापुर में घट रहा है गंगा नदी का जलस्तर, ग्रामीणों को मिली राहत, पीड़ितों ने बांटा 14,060 लंच पैकेट और 3,365 राशन कार्ड। ललितपुर में छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान, पिता के पास नहीं थे फीस के लिए पैसे, बीए में करवाना था एडमिशन।
फरुखाबाद में ट्रैक्टर ट्राली से दबकर बुजुर्ग की मौत, परिवार के साथ दावत में शामिल होने जा रहा था बुजुर्ग। भदोही में घटने लगा गंगा का जलस्तर, 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे घट रहा है जलस्तर, बाढ़ ने किसानों का किया भारी नुकसान। बरेली के कारोबारी की पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए फोटो वायरल, हिंदू संगठनों ने सीएम से कार्रवाई की मांग की। हरदोई में स्वास्थ्य महकमे की बदनुमा तस्वीर, डीएम को भी नहीं मिल सका इमरजेंसी में एक मास्क। बांदा में रास्ता नहीं होने के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंची, घायल को चारपाई में लादकर पैदल 100 मीटर 7 मीटर चलकर पीआरवी वाहन तक ले गए। भाजपा पार्षद ने 1,80,000 में खरीदी चोरी का बच्चा, मथुरा स्टेशन से मां के बगल से उठाया था। हाथस के डॉक्टर पति पत्नी के चलते हैं गैंग। थाने में घुसकर दी वर्दी उतरवाने की धमकी, वाराणसी में भाजपा बताने वाले ग्राम प्रधान की पुलिस के साथ दबंगई का वीडियो हुआ वायरल। उन्नाव में शक्ति मिशन को दिया जा रहा है बढ़ावा, लखनऊ कानपुर रेलवे रूट पर बढ़ेगी मेट्रो ट्रेनों की रफ्तार, गंगा घाट स्पेशल स्टेशन होगा फ्लाई लेन। शिवपाल यादव के भतीजे पर कसा तंज, इटावा में शिवपाल बोले अगर जिम्मेदारी देते हैं तो हर सीट पर 20,000 वोट बढ़ जाते हैं। प्रयागराज वाराणसी में घटने लगा गंगा का जलस्तर, रिहासी इलाकों में पानी घुसने से लोगों की बड़ी मुश्किलें, डेंगू का खतरा। अलीगढ़ के विजयनगर में बीमारी से तंग आकर युवक ने पेड़ पर लटक कर दी अपनी जान, पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम हाउस। अमेठी में पत्नी ने धारदार हथियार से पत्नी को उतारा मौत के घाट, मौके पर पहुंची पुलिस ने पति को हिरासत में लिया। औरैया में भ्रष्टाचार के खिलाफ राजस्व अधिवक्ताओं की हड़ताल, 11 सूत्री मांगों को लेकर की जा रही थी हड़ताल। अलीगढ़ में मामूली कहासुनी को लेकर बैंक कर्मियों में जमकर हुई मारपीट, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। औरैया में यमुना नदी में युवक ने लगाई छलांग, तलाशी जारी, अपर पुलिस अधीक्षक शिष्यपाल ने घटनास्थल पर पहुंचकर किया निरीक्षण। अलीगढ़ में नर्सरी की बच्ची को हिजाब पहनाकर आने को मजबूर करता है स्कूल, जानकारी के बाद जिलाधिकारी ने बैठाई जांच। बिजनौर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, पूर्व मंत्री ने दरगाह पर चादर चढ़ाकर देश के अमन शांति और तरक्की की मांग की। गाजियाबाद में गड्ढे में गिरने से युवक की मौत, परिवार ने प्रशासन और पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। गोंडा में पत्रकार के खिलाफ दर्ज केस को लेकर पत्रकारों में आक्रोश, केस वापस न होने पर दिया आंदोलन की चेतावनी। गाजियाबाद में बाइक न हटाने से गुस्सा व्यक्ति ने बाइक सवार को मारी गोली, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को पकड़ने में जुटी। गोंडा में पृथ्वीनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की बात को पुलिस ने किया खंडन, बताया कि यह धमकी पूर्णतः असत्य व भ्रामक है। गोरखपुर में बच्चे की मौत के अफवाह पर भड़के परिजनों ने हॉस्पिटल पर किया जमकर हंगामा, सूचना पर
पहुंची पुलिस ने बच्चे के जिंदा होने की दी जानकारी। हरदोई में दुकानदार ने नगर पालिका अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि पर दुकान हड़पने का लगाया आरोप, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। लखीमपुर खीरी में करंट लगने से मजदूर की मौत, परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। हरदोई में मंत्री कपिल देव अग्रवाल का अखिलेश यादव पर पलटवार, कहा जनता ने नकारा तभी कर रहे हैं बेतुकी बयानबाजी। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी कटान पीड़ितों ने बताया अपना दर्द, कहा सरकार से नहीं मिल रही है कोई भी मदद, नदी में समा चुके हैं किसानों की फसलें। मथुरा में इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान तीन साथी भागने में रहे सफल, अपराधियों की तलाश कर रही पुलिस। प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का किया दौरा, लोगों में बांटी राहत सामग्री। हरदोई में अवैध संबंधों में बाधक बन रही है पत्नी, पत्नी ने गला दबाकर की पति की हत्या, पत्नी की हत्या किए जाने का रच रहा है था षड्यंत्र। मथुरा बच्चा चोरी मामले में जीआरपी ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार, मासूम की सकुशल बरामदी लेने के लिए मची हो। संबल विद्यालय में फर्नीचर ना होने से परेशान है स्टूडेंट्स, विद्यालय में नहीं है कोई भी अन्य सुविधाएं। अमेठी में हरतालिका 30 के दिन पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, सूचना पर पहुंचे सीओ और भारी पुलिस बल, कार्रवाई में जुटी। बुलंदशहर में आधा दर्जन अवैध कॉलोनियों पर चला बाबा का बुलडोजर, अवैध कॉलोनियों में अवैध निर्माण को किया गया जमीन जोज। अमेठी पहुंचे राज्य मंत्री राकेश राठौर, मंत्री ने कोतवाली का किया अचौक निरीक्षण, पुलिस कर्मियों को दिए सख्त निर्देश। बुलंदशहर में खुदकुशी का प्रयास कर रही वन स्टॉप सेंटर संचालिका ने महिला की बचाई जान, परिजनों से विवाद के बाद छलांग लगाने जा रही थी महिला। फरुखाबाद में उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़, स्कूल नहीं मिलता मिड डे मिली। फिरोजाबाद में टूंडला हाईवे पर पल्सर सवार लुटेरों के हौसले बुलंद, ऑटो सवार शिक्षिका से मोबाइल लूट कर ले गए पल्सर सवार लुटेरे। कानपुर में आयकर का छापा, थाना पनकी क्षेत्र में राजू चौहान और देशराज के ठिकाने पर आयकर की छापेमारी। लखनऊ समेत प्रदेश के 22 जिलों में न्यायिक अधिकारी बदले, लखनऊ के जिला जज बने संजय शंकर पांडे। कानपुर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर घर में घुसी, हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल, भीड़ ने कार संचालक को जमकर पिटा। लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण अभियान, लगातार नगर निगम दुकानों को दे रही थी नोटिस। कानपुर में 10 साल के बच्चे का शातिरों ने किया अपहरण, 6 लाख रुपए की फिरौती के लिए आया था फोन। ललितपुर में महिला का शव फंदे से लटका मिला, एक दिन पहले हो गई थी लापता, खेत पर पशुओं को लेकर गई थी।
आजमगढ़ में कांग्रेस की मीटिंग में मारपीट का वीडियो वायरल, शूटिंग को लेकर हुआ था विवाद। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास आका गोला बना ट्रक, तेज धमाके के साथ लगी आग, चालक ने कूदकर अपनी बचाई जान। कौशाम्बी में पछतावा को नहीं मिल रहा है जननी सुरक्षा का लाभ, लाभार्थी बोली फॉर्म भरकर अस्पताल वालों ने रखा। पीलीभीत में ब्लॉक प्रमुख पर प्रतिनिधि पर दबंगई का आरोप, प्रमाण पत्र की कॉपी मांगने कलेक्ट्रेट पहुंचे बीडीसी, अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा। बुलंदशहर में भ्रष्टाचार के खिलाफ वकील नामबंद, जिला न्यायालय ने अभियुक्ताओं ने कार बहिष्कार का आंदोलन की दी चेतावनी। गोंडा में पेड़ से बांधकर युवक की पिटाई, उधारी का पैसा मांगने पर सिर फोड़ा, पृथ्वीनाथ मंदिर में बम रखने की फलाई अफवाह। अवैध निर्माण शराब निर्माण के अड्डों पर पुलिस का छापा, बड़ी मात्रा लहन और उपकरण बरामद, प्रशासन ने किया नष्ट। मुजफ्फरनगर के गंगा बैराज से लावारिस मिली एक दिनी नवजात, सीडब्ल्यूए के निर्देश पर महिला अस्पताल में पीडियाट्रिशियन वार्ड में कराई गई भर्ती। मेरठ में नवजात के शव को नोच रहे थे कुत्ते, निसाडी गेट में खाली प्लॉट में मिला नवजात का शव, पुलिस जांच में जुटी। बाराबंकी में खेत की सिंचाई को लेकर दो पक्षों में मारपीट, लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से किया हमला, आरोपी के खिलाफ दी तहरीर। अंबेडकर नगर में दो बाइक लुटेरे गिरफ्तार, छह चोरी की बाइक बंद पड़ी, राइस मिल से बरामद। चंदौली में पूर्व रेल कर्मी की गला रेतकर हत्या, दो हिस्सों में संपत्ति का होना था बंटवारा, घटना के बाद से बेटा फरार। फिलहाल 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों, बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।